कन्हैया कुमार के साथ खड़ी थी, इसका सारे विरोध करते हैं। आजादी किससे मांग रहे हैं? क्या आजादी चाहिए? क्या आजादी चाहिए? वो चीज सही है, मेरी बात सुनो। क्या आजादी चाहिए ये बता दो ना। पहले बोल, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ। पहले दीपिका खड़ी है और अबे भैया क्यों उसे बर्बाद करना चाह रहा हूँ दीपिका को, ठीक है? मेरे एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, एक सवाल। उसका कैरियर बर्बाद होगा। NRC है, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं पता। एक दिन मैं यहीं पे बारह खम्भा विरोध हो रहा था, मेट्रो बंद था काफी, आपने देखा होगा। मैंने बहुत सारे लेडीज लड़कियां थी, स्टूडेंट लड़के थे, मैंने जाके बात करा, किसी को पता नहीं था। 80% लोगों को CGA क्या है, NRC क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है। उन्हें बुलाया गया है, उन्हें खाने के लिए मिल जाता है, उन्हें घूमने के लिए मिल जाता है, आ जाते हैं। मम्मी पापा को तो पता है बच्चे पढ़ने गए हैं, ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं पता। आप खुद मार्केट में हैं, आप फील्ड में जाके लोगों से बात करें, आप कभी रैली में जाके बात कीजिए, कुछ नहीं पता। इन्हें CAA नहीं पता, CAA किसी नागरिक का अधिकार। लोगों को आज हिंदुस्तान में भड़काया जा रहा है कि आपके नागरिक छीन ली जाएगी, आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा। NRC तो अभी आया नहीं है, तो CAA में नागरिकता किसी को लेने या देने का तो अधिकार है ही नहीं। CAA में ये है कि अगर भारत से बाहर से कोई भी अल्पसंख्यक जो दूसरे देश में थे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो उसमें विरोध क्या है? अब बात आती है मुस्लिम को क्यों नहीं जाती, जब दूसरे देश ऑलरेडी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान अल्पसंख्यक हैं, तो उनको नागरिकता क्यों दी जाए? दूसरी बात है, अभी काउंटर में क्वेश्चन करते हैं कि बहुत लोग नेपाल से पीड़ित हैं, श्रीलंका से। अगर ऐसे लोग पीड़ित हैं तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, नया बिल लाइए, उनको भी दीजिए। लेकिन मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमानों को देश से बिल्कुल बाहर करना चाहिए। और जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, बिल्कुल गलत है, सरकार को इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो दीपिका पादुकोण है, अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए JNU जाते हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? वैसे उन्हें इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जिस तरह से हो रहे हैं दंगे, उनको मतलब समर्थन करने गई वो एक अलग बात है, मगर अगर वो उन अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गई वो गलत बात है। तो जिस तरीके से वहाँ पर JNU के अंदर बवाल चल रहा है बहुत दिनों से, फीस हाइक को लेकर के आए दिन, और फिर उसके बाद वहाँ पर लाठी डंडे चलते हैं, और उसके बाद एक ही ग्रुप है जो लाठी डंडे चला रहा है। आज क्राइम ब्रांच ने साबित भी कर दिया, पहचान भी ली है नकाबपोश, और उन्हीं के साथ वो दीपिका पादुकोण खड़ी होती है। वो तो गलत है, पर जो क्राइम ब्रांच कह रही है उसकी वो जानकारी अभी निकाल रहे हैं, जब उनको निकालने के बाद ही तो उन्हें पता लगेगा ना क्या सही है और क्या गलत है। 9 लोगों को पहचान लिया, क्या लगता है जो 9 लोगों को पहचाना है और वो क्राइम ब्रांच ने साबित कर दिया कि ये लेफ्ट विंग के ही लोग हैं, ऐसा घोष उनका लीडरशिप कर रही थी? गलत है ये तो, अगर ऐसे कोई लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं और ऐसे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग गलत काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो जिस तरीके से फिल्म का विरोध हुआ है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? फिल्म का विरोध करना गलत है वैसे, दीपिका पादुकोण को भी पता नहीं था कि ये कौन से लोग हैं, वो तो एक छात्रों के साथ खड़ी हुई थी, कुछ लोगों के साथ खड़ी हुई थी। आप दीपिका पादुकोण का ये नहीं पता था कि मुझे ऐसे ऐसे माहौल में जाना चाहिए जिस जगह आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं, उसी के सामने लग रहे हैं? सर, आज़ादी आज़ादी के नारों के साथ वो बिल्कुल नहीं है शायद, वो एक स्टूडेंट के साथ है या एक कुछ लोगों के साथ गई हैं, वो उनके उनका माइंड ऑफ सेट अलग था। अब पता चला है कि वो कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं, कि लोग है कौन एग्जैक्टली पता नहीं था। बात करें हम जिस तरीके से किस जो कन्हैया कुमार हैं उनके साथ खड़े हैं, आयशा घोष है वहाँ पर खड़े हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कन्हैया कुमार ने तो बहुत पहले भी एक दो जो उन्होंने बोला था कि मुझे देश के टुकड़े होंगे और ईशा अल्लाह हम आज़ादी चाहिए देश से, तो इस तरह के नारे लगाए, तो क्या दीपिका पादुकोण बात कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो ना समझे इन चीज़ों को? दीपिका पादुकोण ने कन्हैया कुमार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल किसी गलत ताकतों के साथ खड़ा होना अपने आप में विरोध। उसने दीपिका पादुकोण कन्हैया कुमार के साथ खड़ी थी, इसका सारे विरोध करते हैं। दीपिका पादुकोण एक समझदार होके वहाँ क्यों गई? वो दीपिका को पहली बार डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए। अगर वो आयशा से मिली करने वाले हैं उसके साथ और उनसे मिली, तो उन्हें ABBB के बच्चों जिनको चोट लगी है उनसे भी मिलना चाहिए था। सामने नारे लग रहे थे, उनके सामने ही नारे लग रहे थे, बिल्कुल नारे लग रहे हैं, बिल्कुल नारे लग रहे हैं।
बोलो, बिल्कुल गलत मत बोलो, बिल्कुल गलत मत बोलो। सुनो पहले सुनो, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सुनिए। वो जाना नहीं चाहिए था, वो ठीक है, लेकिन सुनो ऐसे मत बोलो कि उसके सामने नारे लग रहे थे। वो देजूर थे क्या उन्होंने दीपिका के सामने हिंदुस्तान को आजादी के नारे लगे थे? तेरे भारत तेरे टुकड़े कौन कह देगा ऐसा? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार ने नारे लगाए, साबित हो चुके हैं। बात सुनो, ये बोल रहे सुनो, ये कन्हैया ने लगाए, कन्हैया ने पहले मेरी तो भी नहीं लगाए। मेरी बात तो सुन लो, मैं पहले मेरी बात तो सुन, पहली बात आ क्यों रहे हो? दीपिका को पहले बोलने तो दो। दीपिका के सामने कोई नारे थोड़ी लगेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े के आजादी के नारे मांगते हैं, अफजल की बरसी मनाते हैं, और जब प्रियंका इतनी छोटी तो है नहीं, इतनी समझदार अनसमझ तो है नहीं कि जो आदमी अगर नारे लगा रहा है तो उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बात सुनो, देश को बताएं क्यों उसने नारे देश विरोधी नारे लगाए हैं? सुनो कन्हैया ने लगाए या नहीं लगाए तो दो, इसका जवाब जवाब ही दे रहा हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। अगर कन्हैया ने लगाए ना तो आप दिखा दो अभी, मुझे अभी दिखा दो। सर 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 सुनिएगा सुनिएगा सर, एक सेकंड सुनिएगा। कोर्ट प्रूफ कर चुका है, हाई कोर्ट प्रूफ कर चुका है, एक सेकंड सुन लीजिए मेरा, सुनिएगा सर सर एक सेकंड सुनिएगा, एक सेकंड। 13 वीडियो में से 12 वीडियो में प्रूफ हो चुका है कि कन्हैया कुमार उस जगह उपस्थित थे और उन्होंने नारे लगाए हैं। नहीं नहीं नारे लगाए प्रूफ आप दिखा दो सर, एक सेकंड में आपको बताना चाहूंगा। सर सुनिएगा सर सुनिएगा सर 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 सुनिएगा, सुनिए एक सेकंड। 9th of February मैं इसलिए बोला था, उस भाई ने कहा दीपिका वहां खड़ी थी और वहां नारे लग रहे थे। भैया ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? दीपिका उसके सामने तो लगे हैं, एक बात बताइए, ये मत पकड़ो यार, एक बात बताओ, उसके सामने तो लग रहे हैं कि आजादी आजादी की मांग, आजादी किससे मांग रहे हैं? क्या आजादी चाहिए? क्या आजादी चाहिए? वो चीज सही है, मेरी बात सुनो, क्या आजादी चाहिए ये बता दो ना। पहले बोल, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ, पहले मैं ये बात कह रहा हूँ, दीपिका के सामने आजादी क्या मांग रहे हैं? अरे बात तो सुन लो, आपका सुनिए, मेरा सुनिए, देखो सुनो, 9th of February ना जेएनयू का स्थापना दिवस, 9th of February सुनिए ना, ना जवाहरलाल नेहरू का वध, 9th of February अफजल गुरु का बरखी है, अफजल गुरु का फांसी देता है, आप उस दिन प्रोग्राम करते हो, यही देशद्रोह है। नारा लगे ना लगे, लेकिन आप खड़े होते हो, आप खड़े होते हो ऐसे टुकड़े टुकड़े क्या के साथ, तो हर वो व्यक्ति देशद्रोही है। अरे बोलने दो, अरे पहले मेरी बात सुनो, पहले क्या नाम है आपका? सुनो मेरी बात, आप खड़े हो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ हमें चाहिए आजादी, ठीक है, एक चीज ही हो गई। कल को जाके सारे बंदे बोलते हैं कि ये वहां खड़े थे और वो बंदे बोल रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, दिस इज रॉन्ग। जो वो बंदे बोल रहे थे ना, जो बंदा बोल रहा था कि दीपिका खड़ी है और ये, अबे भैया क्यों उसे बर्बाद करना चाह रहे हो दीपिका को? ठीक है मेरी बात सुनो, बर्बाद करना चाहते हो। उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड अनिल मुस्तफा उसके साथ खड़ा है, उसकी पप्पिया झप्पिया ले रहा है रणवीर सिंह, ठीक है, हाँ, बाजवा, बाजवा के साथ वही अनिल मुस्तफा दिखाई देता है, इमरान खान के साथ वही दिखाई देता है, तो कैसे मान लेंगे वो? सुनो आपने कन्हैया, सुनो सामने बोल रहा हूँ, लाइव लाइव बोल रहा हूँ, आप अगर बोल रहे हो ना कन्हैया को, कन्हैया इस भाई के लिए भी बात, इन भाई के लिए भी कोई कहता तब भी बोलता। कन्हैया कुमार के साथ दीपिका ने जाके हिंदू राष्ट्र तेजाब डालने का काम किया है, हम दीपिका का घोर विरोध कर रहे हैं। पब्लिसिटी विरोध करना सही है, वो विरोध करना सही है, विरोध करना सही है, नाम पे देशद्रोही के साथ खड़ा होना यही देश के लिए गद्दार है। युवा और देश की नागरिक सारा देख रहा है और आपको समझ रहा है, आप बोलना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपके मानसिकता में जो चल रही है, मैं दीपिका पादुकोण को कह रहा हूँ, आप खड़े होते हो वही देशद्रोही है, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा ताकतवर इंसान है, वही कह रहे हो आप चीफ पब्लिसिटी दे रहे हो। तो प्रमोशन के लिए गए, गई थी वो फिल्म प्रमोशन के लिए गई थी दीपिका पादुकोण, क्या कहते हैं वो ऐसे ही जाती है अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए, मिलने क्यों नहीं जाए? दीपिका पादुकोण है कौन? एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, एक सवाल, उसका कैरियर बर्बाद होगा, उसका कैरियर बर्बाद होगा, और तेरे जैसे लाख आ जाए।
दिन निर्भया के केस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि 22 तारीख को उनको फांसी की सजा होगी, तो दीपिका पादुकोण को वहां भी तो जाना चाहिए था क्योंकि वो महिला है और उरी हमला होता है, पुलवामा होता है, उसमें नहीं जाती। भाई मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल सही कह रहे, उसे वहां पर भी जाना चाहिए और जगह भी, और पहले बोलने बोलने तो दो अपनी अपनी थोड़ी बोलते हैं। बात यह है कि जिस चीज का अपोज होना चाहिए होना चाहिए, नहीं करी बोलो उसको, लेकिन जो ये चीज बोल रहे थे ना कि उसके सामने देशद्रोही के नारे लग रहे हैं, भारत तेरे सामने आजादी के नारे, आजादी के लगे, आजादी किस तरह की आजादी चाहिए उनको, तो वो तो उससे पूछो ना, लेकिन वो जो बोला वो गलत बोला ना, उसको आपको रोकना चाहिए। आपको जो देश के टुकड़े के नारे के साथ साबित होता है कोर्ट कह रहा है गलत है, लेकिन वो उसके साथ खड़े हो गए, गलत आदमी के साथ खड़े हो गए, तुम्हें भी गलत माना जाएगा। आपको पता है यहाँ पर कितने सी कितने गलत हैं? अरे आप जानते हो भैया, आप जानते हो, जिसे जानते हो उसके साथ तो नहीं खड़े हो, आप बताओ जिसे जानते हो उसके साथ तो नहीं खड़े हो। दीपिका को अपने फिल्म प्रमोशन का इतना ही शौक था, वो गरीबों में जाती, समाज सेवा करती तो उसका प्रमोशन होता, ये गलत कदम उठाकर उसने बहुत बड़ा देश के साथ अन्याय किया।